बिल्कुल सही है। हाँ क्योंकि क्योंकि जब होता क्या ना, हम जब बोलते हैं या ऐश बोलते हैं कुछ है कि हाँ कुछ दिनों की ही बात है, तो होता क्या है कि सिस्टम इंटीग्रेट हो रहा है ना, तो दिनों में सब कुछ दिनों में हो रहा है। देखिए 30 दिसंबर से लेके अभी तक जो भी चीजें हो रही हैं, ओकनेट बिल्कुल फ्लॉलेस चल गया है, वो सारा जो हमारा प्रोडक्ट था वो चलना था वो चल गया है। ओके, तो जस्ट अज्यूम मत करा करिए कि दिनों के बदले 2-4 दिन में ही सब कुछ होने वाला है। ओके, सो चीजें हो रही हैं, हमारे जस्ट सिस्टम को समझिए। हमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी यहाँ पे, ऐसे जल्दबाजी कभी भी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने दिनों दिनों में बोला या हमने दिनों में बोला, और वो फॉर एग्जाम्पल दिन ये मान के चलो कि 10 दिन थे, तो बट पता चला कि 10वें दिन जब कुछ करना था कुछ ऐसा हुआ कि नहीं देना चाहिए सिस्टम, तो नहीं दिया जाएगा। ओके, ऐसे नहीं दे दिया कि मैंने बोला है या ऐश ने बोला तो शायद प्रेशर में आके लोगों को दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, बट हो रहा है। मैंने जैसे पहले बोला कि इंटीग्रेशन पार्ट और ये सब डेवलपमेंट पार्ट ये सारा कुछ हो चुका है, इसे मैटर ऑफ टाइम है कि उसको हमें इंट्रोड्यूस दुनिया को, क्योंकि ऑन पैसिव को इंट्रोड्यूस करना है दुनिया में एज ए पेड पैकेज। वैसे ऑन पैसिव इंट्रोड्यूस हो चुकी है, हजारों लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअल में कैसे देना है वो एक स्ट्रेटजी है बेसिकली। ओके, स्ट्रेटजी है कि जब हमारे लिंक्स हमारे पास आए प्लस हम उसको फंडिंग करें उस पैकेजेस को, तो वो उस टाइम में हमें कैसे 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 आ, आ, वो स्ट्रेटजी के तहत ऑन पैसे को लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि वहां पे तब मनी इन्वॉल्व हो जाएगी। ओके, तो मनी इन्वॉल्व होगी तो वो बड़े ध्यान से उसको सारा काम कंपनी को करना पड़ना है। ठीक है, तो इसलिए वो सारा कुछ वो प्री प्लानिंग तरीके से, अगर कोलैबोरेशन हो रही हैं, अगर ये कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वहां पे बातें जाती हैं, विमेंस समिट हो रही है वहां पे, लोगोज लगे हुए हैं, तो जो ब्रांडिंग की एक वैल्यू है, ब्रांडिंग जब हम लोग मार्केट में आएंगे तो हजारों लोगों को अब पहले ही मालूम होगी वो, क्योंकि अच्छा ये वो वन पैसिव है जो कि इतना इतना कुछ कर चुकी है। तो क्या है वो जो स्पीड है यहाँ पे लोगों की आने की विद मनी, क्योंकि मनी अट्रैक्ट करती है सब चीजों को। ओके, तो वो फिर ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा इसलिए उसको जो होमवर्क किया जा रहा है इसका, वो वही चीजें हैं सारी यहाँ पे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो वुमेन समिट हुई है, मे बी फरवरी में या जनवरी में नहीं मालूम होगा, या हमारी कोलेबरेशन नहीं होगी, बट आके यहाँ पे होगी, तो सिस्टम को उस हिसाब से कर दे। ओके, लेट अस डू फर्स्ट दिस थिंग्स, क्योंकि हम मार्केटिंग, हमारा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है पहले, तो हमें एक उस लेवल की मार्केटिंग कर रहे हैं जहां पे ये मान के चलो कि एक पैसिव तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर वुमेन समिट दुनिया भर में गया है तो लोगों ने देखा, तो वहां पे ऑन पैसिव का लोगो भी देखा है, वहां पे ऑन पैसिव को भी देखा है। अगर वहां पे हमारे रोबोट्स हैं, वहां पे लोग आ रहे हैं, तो वो देख रहे हैं ऑन पैसिव को, वो सर्च कर रहे हैं, वो रजिस्टर हो रहे हैं वहां पे। ओके, तो ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, बुर्ज खलीफा चीजें हैं, तो वो कंपाइल होती जा रही है। तो अगर वो डेटाबेस तैयार होता जा रहा है इन नए यूजर का, फॉर एग्जाम्पल अगर वो जनवरी में जब हमने एडवर्टाइजमेंट शुरू वो सारी की या पिछले साल की, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 लाख लोग आए, बट जब हमने ये फास्ट कर दी जनवरी में, हमारे पास 2-4 लोग और आ गए, फरवरी में कुछ और हुआ, ओके, तो फिर 2-4-5-10 लाख लोग आ गए, अभी मार्च में ऐसा कुछ हुआ तो मे बी 10-15-20 लाख लोग और आ गए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही हम ज्वाइन, जैसे ही हम ये दरवाजे खोलते हैं ऑन पैसिव के, तो वो सारा सेट जो एक पैसिव तौर पे हमें कंपनी ने देना है, तो वो पहले ही दिन हमें वो सारा कुछ हो जाएगा वैसा। ओके, तो हमें वो देने के लिए अच्छा है कि जितना थोड़ा कंपनी और ट्रैफिक जनरेट करके हमें दे, ताकि जब हमने सारा कुछ ये करना है तो इमिडिएटली वो सारा कुछ हमारे हमारे सामने हो, और वो एक जो बेस होता है वो सॉलिड बेस से कंपनी मार्केट में आए। ओके, तो नथिंग टू वरी, ये दिनों की ही बात है असल में। तो ओके, तो हो रहा है, पेशेंस रखिए सिर्फ बना के यहाँ पे, और ये चीजें हमारे लिए हो रही है बेसिकली। ओके, तो डरने वाली बात नहीं कि 2 दिन 4 दिन और लगे हैं, इधर उधर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए बेसिकली ये काम हो रहा है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, जी, थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट जी डी सर, जी सर, गुड इवनिंग जी, सर, हाँ बिल्कुल आवाज आ रहा है, गुड इवनिंग सर। मेरा कुछ सवाल अजीब है, आपको अजीब लगेंगे क्योंकि सवाल अजीब पूछता हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात, जैसे मेरा कहना है सर कि जैसे आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पे जैसे आपने बोला 3,000 या 3,500-4,000 लोग हैं, तो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो वेल सेटल है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं कि जिनको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो मेरा एक ऐसा सुझाव है कि जितने भी आप लोग मोटिवेशनल वीडियो या वेबिनार करते हो, उससे अगर आप इसमें हमको, हम लोग जैसे, हम जैसे अनपढ़ लोगों को ही बोलो इसके बारे में ज्यादा एजुकेशन दे तो बहुत अच्छा होगा सर। इसके बारे में सर आपका क्या कहना?
देखिए जितने भी वेबिनार्स असल में हो रहे हैं तो होते तो एजुकेशनल पर्पस के लिए है बेसिकली। जैसे ऑन पैसे बहुत आसान है, अगर किसी को जस्ट लॉगिन, उनको अगर समझ नहीं आ रही या कुछ नहीं है, जस्ट इसमें यहाँ पे लॉगिन करें, उनको लॉगिन करना आना चाहिए यहाँ पे आई थिंक। एंड देखिए यहाँ पे टेक्निकल सेशन भी होते हैं, कई चीजें बताई जाती हैं बेसिकली वेबिनार्स में बताई जाती हैं। तो जैसे अभी आपने बोला कि कुछ नॉन टेक्निकल लोग होंगे या जिनको मालूम नहीं है टेक्नोलॉजी का, तो हाँ बेसिकली तो होता क्या है ना कि वेबिनार्स तो हो रहे हैं यहाँ पे, हम उसको बाइफर्केट नहीं कर सकते कि हमें हमें नहीं मालूम यहाँ पे अगर हम लोग 3,500 लोग हैं तो उसमें से कितने लोग जानते हैं नहीं जानते, ये हमें हमारे पास डाटा नहीं है बेसिकली राइट। बट जैसे अभी ये क्वेश्चन आंसर सेशन भी समझाने का यही तरीका होता है कि अगर वो लोग थोड़ा सा इसमें से ले लें, जैसे कि आज बताया कि अगर आपका लिंक आ जाएगा तो कैसे आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास राइट। तो बेसिकली मेरा तो ये मानना कि वेबिनार्स में जरूर आते रहे वो, तो कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलता रहेगा। यहाँ पे ज्यादा तो टेक्निकल बात होती नहीं है आई थिंक, हम लोग उस लेवल पे तो जाते ही नहीं कहीं पे कि उस लेवल के बाद, क्योंकि ऑन पैसे में हाँ ज्यादा टेक्निकल जाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी डिफर हो सकता है, मुझे लगता नहीं कि ऑन पैसे में हमें कुछ ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत है। हमें जितना जरूरत है, जैसे आज लिंक का क्वेश्चन आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई थिंक इतना ही हम समझ लेंगे तो मुझे लग रहा है कि ऑन पैसे में हम कामयाब हो जाएंगे। ओके, चाहे वो अनपढ़ आदमी है चाहे पढ़े लिखा है, तो क्योंकि हमारे लिंक्स ही हमें मैटर कर रहे हैं। जैसे अभी आज हम लोग बैठे हैं, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। ओके, हम ऑन पैसे में तो हैं बट कुछ नहीं है, बट जैसे ही हमारे लिंक्स आएंगे तो हमारा सारा सिस्टम शुरू होने वाला है। ओके, तो उस सिस्टम में अगर वो अनपढ़ आदमी, जैसे आज ये क्वेश्चन सेशन हो रहा है, इसमें आए और वो सीख लें ये थोड़ी बहुत ही चीजें कि ओके अच्छा हमारा लिंक आएगा तो उसमें हमारा ये ऑप्शन है कि मैं चुप रह के भी कुछ ना कुछ कमा सकता हूँ, मैं एफर्ट डाल लूंगा तो और कुछ कर लूंगा, या मैं ट्रैफिक के पैकेज बाय कर लूंगा तो वो और कर लूंगा, तो उसको आई थिंक वो चीजें समझ आ जाएंगी राइट। सो बट यहाँ पे आया करें, क्योंकि सीखने को हम बाइफरकेट तो नहीं कर सकते कि कौन अनपढ़ है। वो बोलेगा अरे भाई मैं तो अनपढ़ हूँ नहीं, मुझे इस कैटेगरी में क्यों डाल दिया बिल्कुल आपने हाँ हाँ राइट। नहीं इसी को आप बोल तो नहीं सकते, आप अनपढ़ हो क्योंकि वो बात लगती या जरा क्यों मानना है कि आजकल की जो जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी जो टेक्नोलॉजी चीजों को सिंपल ऑपरेट है। करने की, मोबाइल को ऑपरेट करने की, ये करने की वगैरह, तो इसलिए इसमें अगर ऑन पैसिव है, ऑन पैसे को उनको सिर्फ लॉग इन कर, उनके पास में एक मोबाइल फोन चाहिए जरूर उनके पास, और उनको लॉग इन करना आना चाहिए, इतना वो अगर कर लेंगे तो आई थिंक वो सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद आदमी का ह्यूमन माइंड कम से कम इतना, चाहे अनपढ़ आदमी भी है वो उसका दिमाग इतना होता है, भगवान ने डाला हुआ है कि वो समझ जाएंगे चीजों को। ओके, एक बार उनको आना चाहिए ठीक।